बड़े एक्टर है करण जौहर है सलमान खान है, तो हो भी सकता है कि इनको पुश भी करते हैं। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन होता है। Somebody is saying that he's sad, he's depressed. People should come. Believe in one thing, no hard work will go waste. मालिक है, he will take care. वेलकम टू सेरेनियम गाइस, योर ऑनलाइन एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं जशांत मलिक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पब्लिक रिएक्शन सीरीज में, जिसका नाम है तो बात करेंगे इस मूवी के बारे में और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के बारे में। लोगों से बात करते हुए देश, लेट्स गो। प्लीज वॉच सुशांत सिंह मूवी दिल बेचारा। प्लीज गो एंड वॉच द लेटेस्ट मूवी बाय सुशांत सिंह राजपूत ऑन हॉटस्टार। ये सुशांत की मूवी आई है नई दिल, ये दिल बेचारा, तो मैं भी आज जाके देखूंगा उसको। आप लोग भी देखिए। हाँ, यू मस्ट गो एंड प्लीज वॉच द मूवी। एक्चुअली यू मस्ट प्रमोट दिस गाय आल्सो, सुशांत, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर वी हैव लॉस्ट। प्लीज गो एंड वॉच सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा मूवी एंड सपोर्ट हिम। जैसे हॉटस्टार पे हो रहा है और मैंने तो सुना है कि मे बी जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मूवी फ्री है। इस मूवी का एक फ्यूचर में थिएट्रिकल रिलीज होना चाहिए व्हेनेवर द पेंडेमिक गेट्स ओवर, व्हाट डू यू थिंक? हां बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये अगर कोरोना नहीं होता तो थिएट्रिकली रिलीज होता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो रिलीज होगा तो जरूर देखने जाएंगे बड़ी मूवी। यस ऑफ कोर्स, दिस इज गोना बी अ बिग बजट मूवी आई थिंक, नॉट बिकॉज़ ही इज नो मोर बट आल्सो अदरवाइज ही वाज अ वेरी डिफाइंड एक्टर। हाँ मेरे हिसाब से करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल रिलीज करना चाहिए, क्योंकि हॉटस्टार पे तो एक तरह का वो ये सब लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जो मूवी को जो सुशांत सिंह राजपूत की जो एक्टिंग है, जो जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की है उसके, वो तो एक कैपिटल के तौर पे ही देखा जाएगा ना उसके अंदर, तो वो मूवी जायज़ सी बात है अगर किसी ने मेहनत की है, चाहे कोई भी एक्टर हो तो उसको उसका मुनाफा मिलना चाहिए। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज़ बीन पेड टू जस्ट मेक दिस मूवी। So ideally people should go and watch it in the theater as well. Bilkul bilkul, the kind of love people have given to the trailer, I think that there should be a theatrical release of that movie. Is it a right time to high time actually to discuss about mental health? Bilkul honi chahiye, there is no harm in visiting a psychiatrist or a doctor. If you're feeling lonely or scared, you must go. It's a trend. We all are in anxiety. Not consider depression as a taboo first. We should not consider the psychiatric illness as a taboo. If somebody is saying that he's sad, he's depressed, people should come. We should come and talk to them. Times in our life where you need a counsel support. Okay, so generally, शायद इंडिया में वो concept उतना popular है नहीं that you go and visit and talk to a person. Everybody is going through the mental issue, the like depression and. Depression and tensions and all, like everybody going through like so many issues, whether in their family or in relationships. This is the best time to discuss about mental health. क्योंकि आजकल ना आप देखोगे ना ध्यान से सोशल मीडिया पे ना एक टॉक्सिक चीज़ें वायरल होने का, एक दूसरे को ट्रोल करने का, डिस करने का, रैपर्स में अगर आप देखोगे, अगर आप मीमर्स को देखोगे तो वो ट्रोल करते रहते हैं, तो ये ख़त्म होना चाहिए। ऐसा कोई टाबू नहीं होनी चाहिए कि मतलब अगर कोई मेंटल इलनेस है किसी को, डिप्रेशन में कोई है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि वो पागल है, ये डिमीन करना हो गया। इट्स हैपनिंग एवरीवेयर, इट्स जस्ट द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट स्पीक, पीपल डोंट स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। व्हाट सुशांत डिड वाज रॉन्ग बिकॉज़ ही शुड स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ, बट या वी कैन आल्सो कंसीडर द सिचुएशन ही इज बीन थ्रू। इंडिया इज द कंट्री वेयर स्टिल द मेंटल हेल्थ has not been taken as an illness. उसको समझना चाहिए, उसको ज़्यादा अच्छे से समझाना चाहिए। इवन बहुत सारे लोग, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग डिप्रेस होते हैं, उनको साइकेट्रिक इलनेस होती है लेकिन अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक जो साइकेट्रिक इलनेस का स्टिग्मा है इंडिया में। हर फील्ड में आप स्ट्रगल कर रहे हो, लाइक इंजीनियरिंग सेक्टर में हो तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब्स नहीं है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन होता है, बट आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, ये नहीं कि आप सुसाइड कर लो। मेरा आपसे सवाल है, हम लोग ऐसा क्या करें एज अ ऑडियंस, क्योंकि बॉलीवुड के ऑडियंस हम लोग, कि कोई अगला सुशांत ना हो, यानी कोई अगला स्टार या अगला टैलेंटेड इंसान सुसाइड ना करे। पहले तो ना एक क्वालिटी कंटेंट देखने की आदत डालनी चाहिए, जो हमें है नहीं, हम सिर्फ स्टार्स को देखना पसंद करते हैं और लोगों के नाम पे हम मूवीज देख लेते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, आई मायसेल्फ आई एम अ पेंटर, आई एम एन आर्टिस्ट, द थिंग इज टू यू टू स्पीक आउट व्हाटएवर यू फील, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट मेकिंग गुड फ्रेंड्स और क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स, अबाउट मेकिंग क्वालिटी फ्रेंड्स। मेनली वही है, हम शायद कुछ ना कर पाएं बट जो उसके आसपास के लोग हैं वो उसको हेल्प कर सकते थे। इट शुड गो आफ्टर द कंटेंट ऑफ द मूवीज, लाइक अभी तक ऐसा हो रहा था कि वी वेंट आफ्टर द स्टार्स, कि अगर स्टार पावर चले जाते उसमें
कंटेंट बिल्कुल नहीं भी है, फिर भी प्रमोशन्स इतने हो जाते थे कि लोग देख लेते थे और वो मूवी हिट हो जाती थी। नॉलेज बहुत कम है, अवेयरनेस बहुत कम है लोगों का, मतलब जो चीज़ आप दे देते हो जैसे व्हाट्सएप पे गलत न्यूज़ आ जाती है तो लोग उसे मान लेते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर बड़े स्टार को किसी बड़े बजट वाले दिखाते हैं उस तरह से उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, एक्सेप्ट करते जाते हैं। अगर कोई एक्टर आ रहा है उसको सपोर्ट करो उसके अच्छे बुरे वक्त में भी, मतलब हर तरीके से। एज अ पर्सन मैं ये बात बोलना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं सुशांत सिंह राजपूत कि कोई नॉर्मल बंदा भी कभी सुसाइड ना करे, क्योंकि किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। इवन वी आर हिपोक्रिट नो, सो वी कैन से दैट दिस पर्सन इज़ वेरी टैलेंटेड, नो डाउट अबाउट इट। और उसी के लिए हम लोग वी कैन वर्क ऑन दैट, वर्क ऑन दोज थिंग्स, कि हम ऐसे लोगों को आगे आने दें, कम से कम उनको आगे बढ़ने से तो ना रोकें। रही बात नेपोटिज्म की, तो वो हर जगह होता है। मान लो मेरे पापा बिजनेस मैन है तो उनकी सीट में मैं ही बैठने वाला हूँ, ऐसा बहुत कम होता है। प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है, थ्योरेटिकली हम बोल सकते हैं ऐसा हो रहा है। तो आई थिंक नेपोटिज्म इज एवरीवेयर। तो जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसको टैकल करो, उससे लड़ो, ये नहीं कि आप उससे हार के और सुसाइड कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो वो एक ऑप्शन नहीं है। मूवी बुरी होती है चाहे बड़े स्टार का हो या किसी भी स्टार का हो, सलमान खान हो या कोई भी हो, अगर अच्छी है तो अच्छा रिव्यू दे, बुरा है तो बुरा रिव्यू दे। हमारी तरफ से चेष्टा होनी चाहिए ताकि ये सब चीज़ें सिर्फ अनुभवों से ना सीखी जाए। मेरे ख्याल इसको एक सामान्य तौर पर घर से शुरू किया जाए, अपने सब निजी लोगों को देख करके, करीबी लोगों को देख करके उनसे शुरुआत की जाए। और मेरे ख्याल वो सुशांत सिंह राजपूत बने या ना बने, वो सब नॉर्मल लोगों की तरह, हम आम आदमी की तरह उसे तौर पर ढूंढ सकते हैं। टैलेंट जो है ना, वो किसी कोई पेरेंट कोई मनी किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। टैलेंट गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, हमें उस टैलेंट की कदर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से हम जो लोग होते हैं ना, जो देखते हैं सिनेमा देखते हैं, हम सबकी नज़रिया जो है ना, हम सबका, वो सारे एक्टर्स के लिए बराबर होना चाहिए। बॉलीवुड में कोई ऐसे आउटसाइडर्स हैं फेवरेट एक्टर्स आपके, जिनके आप नाम लेना चाहेंगे ताकि उनको एक पुश मिलेगा इन वीडियो के थ्रू लोगों को? पंकज त्रिपाठी एंड बिगेस्ट फोर्स इन साइड यू, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैसे की नवाज है और मनोज वाजपेयी, पीयूष मिश्रा, आयुष्मान खुराना, तापसी पन्नू, राजकुमार राव, क्या लीजिएगा? है जी सर, कौन पूछेगा क्या लीजिएगा? विद्यु जामवाल इज वन ऑफ देम। जैसे पंकज त्रिपाठी बहुत पसंद है, या भैया जी हाँ जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो पसंद ही है, एक विक्रांत मसीह है जो उभरते हुए एक्टर, उनकी सारी मूवीज और वेब सीरीज सारे पसंद हैं। मुझे नाम नहीं पता है लेकिन एक एक्टर है जो हथौड़ा त्यागी बनाया है इस, आई थिंक विकी इज वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड एक्टर एंड ही इज डूइंग विकी कौशल, ही इज अमेजिंग विद दिस। हां हां, द वन हु डिड उरी, राजकुमार राव है, राजकुमार वेरी टैलेंटेड गाय, आयुष्मान खुराना है, सपोर्ट द रियल टैलेंट, चाहे वो नेपोटिज्म से आए चाहे वो नेचुरल रियल टैलेंट हो। See, I personally I don't support nepotism, so I will not even talk about it. But we must support real talent. It is must. Like, see, it takes time, but believe in one thing: no hard work will go waste. Malik hai, he will take care. Please support real talent. और जहाँ से भी आए, चाहे नेपोटिज्म से आए, चाहे वो बॉलीवुड से बाहर से आए, तो उनको सपोर्ट कीजिए। हम लोगों को कंटेंट देखना चाहिए, वेदर द गुड कंटेंट इज़ कमिंग फ्रॉम स्टार किड्स और वेदर इट कमिंग फ्रॉम समबडी सम हु इज़ फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री, जो अभी नया नया आया है। आपके मतलब पैसे के दम पर आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है, आप चलोगे नहीं चलोगे वो ऑडियंस और आपका टैलेंट डिसाइड करेगा। तो वो ये टैलेंट है उसको ही सपोर्ट करो, के मैंने इन सब की मूवीज़ देखनी चाहिए क्योंकि मूवी में कंटेंट बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, तो रियल टैलेंट को सपोर्ट करो। काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, वो सोच रहे हैं कि हम बॉलीवुड में जाएंगे, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, करण जौहर है, सलमान खान है, तो हो भी सकता है कि इनको पुश भी करते हैं, पर इतना पुश नहीं करते जितना इनको डाउन कर देते हैं। गाइस, आई नो दैट आप सभी लोग टैलेंटेड हैं जो इसको देख रहे हैं, और आपको आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप खुद भी आगे बढ़ें और आपके आसपास जो भी टैलेंटेड बंदा है उसको सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ने से ना रोकें। जनरली गो एंड फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम, सो दिस इज हाउ यू कैन सपोर्ट गाइस। सो आप भी ऐसे इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कीजिए। नहीं, फिर भी पता नहीं चलती नहीं है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी ज़्यादा कमाती नहीं, मैं देखता हूँ 2 करोड़ 5 करोड़ बॉक्स ऑफिस नहीं, और दैट्स व्हाई वो लोग टीवी सीरीज की तरफ मतलब पूरा शिफ्ट हो गए हैं अभी, अगर आप देखोगे तो उनकी। What I would say guys, सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा मूवी को ज़रूर सपोर्ट करें, OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पे उसे ज़रूर देखें, साथ ही साथ
रियल टैलेंट्स जो भी हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर हैं इंडस्ट्री से बाहर हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट करें। एंड वन मोर थिंग गाइस, मेंटल हेल्थ शुड नॉट बी अ टैबू, मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात करें। व्हाट डू थिंक अबाउट दिस वीडियो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू ज़हरेनियम एंड आवर सेकंड चैनल ज़हरेनियम म्यूजिक, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर विद द नेम ऑफ ज़हरेनियम। लिंक आपको दिख रहे होंगे। थैंक यू।